वेलकम टू उम्मीद सहू। आज मैं बनाऊंगी लौकी की पकौड़े, जो ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। लौकी के पकौड़े बनाने के लिए आपको लौकी चाहिए ग्रेट किया हुआ, और थोड़े बेसन चाहिए, और घर में जो भी आपके मसाले हों उन्हीं से काम हो जाएगा। इसमें कोई अलग से कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। इसमें लौकी को ग्रेट कर लें, और उसमें बेसन इतना ऐड करें कि बस वो सूखा हो जाए, बनाने लायक हो जाए पकौड़े। बस इतना ही बेसन आपको इसमें ऐड करना है कि हम इसके पकौड़े अच्छे से बना सकेंगे। बेसन की क्वांटिटी आप उसके लौकी के हिसाब से रख सकते हैं, और जितनी आपको लौकी लेनी है ग्रेट की हुई, बस उसमें जितने बेसन मिक्स हो जाए, ऐड हो जाए और वो पकौड़े बनाने लायक हो जाए, बस उतना ही आप इसमें ऐड कर दें। बस इसकी कोई क्वांटिटी मैंने नहीं ली थी। लौकी और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से आपके पकौड़े बनाने लायक हो जाए, तब आप इसमें बाकी मसाले ऐड कर दें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, फिर आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा डाल दें। नमक आप बेसन और लौकी को मिक्स करने के टाइम भी ऐड कर सकते हैं, उस टाइम आप ऐड कर लें, या अभी भी ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इसमें मिर्ची पाउडर थोड़ा डाल दें। मिर्ची थोड़ी डाली है मैंने, और हरी मिर्च थोड़ी ली है कटे हुए हरी मिर्च, और थोड़ा सा प्याज आप काट कर इसमें डाल दें। थोड़े से कटे हुए प्याज भी मैंने इसमें ऐड किया है, ज़्यादा नहीं इसमें डालने हैं, बस थोड़ा ही इसमें ऐड करना है। कटा हुआ प्याज डाल दें, फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर दें। ये बस अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस इसे हमें फ्राई करना है। एक पैन में आयल गर्म करें, आयल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हमें इस तरीके से पकौड़े बनाकर उसमें डाल देने हैं और फ्राई कर लेने हैं लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए तैयार है हमारा लौकी का बना हुआ पकौड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे चटनी के साथ सर्व करें। थैंक यू।